और कुछ असामाजिक तत्व भूमाफिया लोग अतिक्रमण भी किए हुए हैं बेरहमी से, किसी संत महात्मा को भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए हम शासन प्रशासन मीडिया के द्वारा हम कहना चाहते हैं कि हमारा पूरा सुरक्षा अतिक्रमण मुक्त मेरा संगत। भूखे यहाँ किसी को नहीं सोने दिया जाता है, जगा करके भोजन प्रसाद पवाया जाता है, लेकिन पवाया जाता है। गुरुजन की पब्लिक के लिए सेवा सरकार की तरफ से है, साफ सफाई है। हम साधु की तरफ से कहाँ सेवा है साधु के, साधु को तो कोई सेवा है नहीं। जिनका एक धूर कागज में जमीन नहीं है, एको डिस्मिन नहीं है गुरु गुरुद्वारा, वो देखिए पहाड़ में अभी के फीट चले गए हैं, 200 फीट तक के वो घेरा कर लिया है। हमारा जरीसा था 5-10 फीट में था, उसको तोड़ताड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 बिहार झारखंड और मैं हूं गुलशन कुमार। अभी हम राजगीर में मौजूद हूं और इस वक्त धनिया पहाड़ी संगत पर कुंड परिसर में एक मंदिर है और उसी मंदिर के प्रांगण में अभी मौजूद हूं। और आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ में सब साधु महंत हैं, और चूंकि इस मलमास मेला में विशेषकर 33 कोटि देवी देवता यहाँ आते हैं, भाग्यशाली लोग होते हैं जो कुंड का स्नान करते हैं, तो हमारे साथ में महाराज जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मलमास मेला क्यों लगता है। सागर बाबा, सागर बाबा, अच्छा मलमास मेले के बारे में कुछ बताएंगे आप। कि सदियों पुराना वैदिक से काल से ही आ रहा है, हाँ वैदिक काल से ही इस राजगीर क्षेत्र में बड़े दूर दराज देश विदेश से लोग श्रद्धालुगण राजगीर आया कर जी, आज से नहीं, बहुत बारी पुराना मान संस्कृति परंपरा हमारे सनातन धर्म की, मलमास मेला टाइम में सभी देवता आते हैं, सिर्फ काग भुसुंडी जी को निमंत्रण नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि वो श्रापित थे गुरु के द्वारा, इसीलिए उनको निमंत्रण नहीं मिला, तब नहीं मिला। इसलिए आज भी मलेमास मेला में देखने को मिलता है कि जब ध्वजा गड़ता है तो उस टाइम में एक भी काग नहीं रहते हैं। और यहाँ से पुण्य का फल परम गति को प्राप्त करते हैं। शाही स्नान का क्या महत्व होता है? शाही स्नान का हुआ कि अपने सनातन धर्म के ऋषि संत महंत नागा निर्वाण जितने भी हैं तमाम सनातनी लोग अपने ताम झाम संस्कृति परंपरा नगारा को बजाते हुए ये ब्रह्मकुंड में स्नान किया जाता है और इसका फल मोक्ष की प्राप्ति है। तो मलमास मेला चल रहा है और इस बार जो है बिहार सरकार के द्वारा खास व्यवस्था की गई है। बात करें तो टेंट पंडाल सिटी पंडाल लोग जो आएंगे उनके लिए रहने के लिए स्नान करने के लिए शौचालय की सारा व्यवस्था जो है और सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किया गया है। तो आपके तरफ जो है मंदिर में व्यवस्था किया गया है सरकार के तरफ से कि नहीं? हाँ, जो मना सरकार मदद तो कर रही साफ सफाई पर, हाँ वो सरकार के तरफ से कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताएं बाबा कि आपका जो ये मंदिर है ये कब से है? 1880 से। 1880 से जी प्रभु, और सब दिन से यहाँ संगत निर्माणित है। और कुछ असामाजिक तत्व भूमाफिया लोग अतिक्रमण भी किए हुए हैं बेरहमी से, किसी संत महात्मा को भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए हम शासन प्रशासन मीडिया के द्वारा हम कहना चाहते हैं कि हमारा पूरा सुरक्षा अतिक्रमण मुक्त मेरा संगत। बाबा ये बड़ी बात कह दिए, भूमाफिया मतलब अब संतों तक भी नहीं छोड़ रहा है, मंदिरों को नहीं छोड़ रहा है, आम लोग बन चुका है, रोड़ा बना हुआ है, लेकिन संतों को भी और सनातनों को भी छोड़ने की मैंने बात नहीं समझ। ऐसे असामाजिक तत्व लोग हैं भूमाफिया लोग, और साथ में प्रशासन भी उसको सहयोग देते हैं कब्जा कराने में, जैसा मेरा इस संगत में हुआ है जी। हाल 3-4 महीना में होटल बड़े बड़े खड़ा कर दिए लोग। ये संगत का जमीन जो है ये खतियानी जमीन है? हाँ, खतियानी हमारा पैतृक मड़ोसी है संगत का। लगभग कितना में एक्वायर है ये, कितना जमीन है, इसका क्षेत्रफल क्या है? 74 डिसमिल है। 74 डिसमिल है, देखने में तो नहीं लगता है 74 डिसमिल। अतिक्रमण हो गया है ना सब, आगे से नानक कुंड कब्जा कर लिए सरदार लोग, और ये होटल वाले लोग सब कब्जा करके
और बहुत तकलीफ देते हैं साधुओं को, मगर सरकार इसके तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। बाहरी आकर घुसपैठी कर रहे हैं, सरकार के संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में वो अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन जो पैतृक हैं, जो खतियानी रैयत हैं, जो शुरू से मठ मंदिर हैं, महाराजा ने बसाया, हमारा मरूसी जमीन है ये, पांच किता मकान सहन मंदिर नाना कुंड जो सर्वे में नक्शा है हमारा संगत का कटा हुआ है, और सब छरदेवाली तोड़ करके नाना कुंड भी सरकार के द्वारा कब्जा करा दिया गया, जो आज भी ध्वजा शाही स्नान में हम लोग दर्शन भी न कर पाए, जो सदियों पुराना ही परंपरा चल रही थी आज नाना कुंड बंद है। हम शासन प्रशासन मीडिया के द्वारा यही कहना चाहते हैं, नाना कुंड बंद है, बंद है, इसको खोलवाया जाए ताकि हमारे संत महंत नागा निर्वाण साधुओं श्रद्धालुओं सब उसका स्नान करें जो पहले परंपरा से आ रहा है, उसकी फैसिलिटी मिले जी। जो शासन प्रशासन पहले भी फैसिलिटी देती थी, नानक कुंड में स्नान होता था, आरती पूजा होती थी, उसको सब अतिक्रमण में जो कहें तो पूरा सदियों से जो चलता आ रहा था, इस बार जो है कहीं न कहीं वो रोका गया है, नई जो है सिस्टम बनाया गया है प्रशासन के द्वारा, जो सदियों से नानक कुंड में लोग स्नान करते थे और खुला रहता था, अभी बंद है, बंद है, अभी सारे बंद है, कुंड नहीं खोल रहे हैं लोग, आना खुलवा रहे हैं शासन प्रशासन। तो बताइए, संत लोग बड़े दूर दराज से आए हैं, देश विदेश से आए हैं, तो दर्शन नहीं कैसे नहीं हो रहा है, तो इसका क्या होगा, तो सनातन धर्म की क्षति है। तो बाबा आपका तो बाल बड़ा देख रहे हैं कि बहुत चोटी एकदम लंबा लंबा है, कितना फीट है लमसम? लंबा तो हम इसको नापे थोड़े हैं, 8 फीट का, कितना तो तोड़ दिया आज, आज से नहीं, हम लोग बाल जोगी हैं, 14 वर्ष की उम्र से संत बने हैं। कहा जाता है संतों जो है कल्याण के लिए होते हैं, कल्याणकारी, खुद अपने के लिए नहीं परमार्थ के लिए जीते हैं संत, और ऐसे संतों को समझिए कि सरकार से सुरक्षा नहीं मिलता है सर, ऐसे मंदिरों को समझिए कि भूमाफिया के द्वारा कब्जा किया जाता है और प्रशासन के संरक्षण में किया जाता है, तो सही कह रहे हैं जी। ये ऐतिहासिक पौराणिक वैदिक काल से जरासंध की बहन बेटी, बहन नहीं बेटी, धनियावती, वो अपना धनिया पहाड़ी गौरी महादेव पर पूजा करने जाती थी, इतने से मंदिर है, समय से मंदिर है, वहाँ की शाखा है। तो इस पर ध्यान देकर नहीं सरकार नानक जी के बनाने में मंदिर बनाइए, आप बनाइए, कौन रोकता है नानक कुंड बनाने के लिए, नानक गुरुद्वारा बनाने के लिए, आप बनाएं, लेकिन किसी के जमीन को हथिया कर, किसी को जमीन को हड़प कर आप, लेकिन दूसरे के भूमि को, एक संत के मठ को अब दखल कब्जा कर, अतिक्रमण कर, दूसरों को दान देना, ये कहाँ से मुनासिब है? कहीं से मुनासिब नहीं है, ज़बरदस्ती किया है सरकार प्रशासन, ज़बरदस्ती नानक कुंड कब्जा करा के बनवा दिए हैं। तो अभी इस मठ में कितना साधु हैं? कम से कम 50-55 को से कम नहीं है, देख लीजिए सब। अच्छा, अच्छा। और पंगा सब चल रहा है, और बाहर से भी कुछ लोग आते होंगे, आगंतुक हैं सब, बड़े बड़े माने दूर दराज से लोग और लोकल भी आते हैं, सबकी आस्था है यहाँ के लिए, भोजन की व्यवस्था ये मठ करती है, लंगर पंगत से सब व्यवस्था है, चाय पानी सब, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। तो ये लंगर का जो लंगर जो मठ में से चलता है, तो ये मठ में कैसे आता है, धन अर्जन कैसे होता है? आखिर दाता लोग देते हैं और लंगर चलता है, बिना के तो धन का नहीं चलेगा लंगर। हाँ, नहीं तो गुरु महाराज ऐसा व्यवस्था बनल है कि लंगर पंगत की कोई कमी नहीं होती है। अपने कहाँ से आए हैं बाबा? मैं सारण छपरा जिला से। छपरा जिला से दिघवाड़ा पूरे महीना रहना है, राजगीर आए हैं, कैसा लग रहा है? राजगीर हम बहुत पहले से आ रहे हैं, ऐसे नहीं 40 वर्ष पहले से आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पर कुंड का स्नान, ये मधुमास मेला के पुरुषोत्तम मास में ये मोक्ष प्राप्ति का स्थल है जी जी, और यहाँ पर संत महंत नागर निर्वाण, यहाँ पर हमारे अखाड़े में 200 महात्मा यहाँ पर झंडा रोपण में आए हुए थे जी। तो यहाँ पर बहुत भव्य रूप में था, भंडारा दिया गया है, जितने मेला लोग के पब्लिक लंगर चल रहा है, ये मठ जो है सबको रोटी पानी सभी को दिया जाता है। ये आश्रम का परंपरा है कि भूखे यहाँ किसी को नहीं सोने दिया जाता है, जगा करके भोजन प्रसाद पवाया जाता है, लेकिन पवाया जाता है, गुरुजनों की कृपा है, यह हमारे गुरुओं का इतना देन है, हमारे श्री चंद्र भगवान जी का देन है कि इस अखाड़ा का मेन प्रसाद है पंगत लंगर,
हैं, इसमें कोई भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, हर किसी को रोटी यहाँ हम लोग देते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आना चाहते हैं इसके, यहाँ पर लोग आएंगे तो आकर के यहाँ का सांस्कृतिक यहाँ का सभ्यता, यहाँ का संस्कार, यहाँ का सब देख करके उनके क्या मन में उत्सव होगा। क्या जो राजगीर धाम कैसे सजा हुआ है, राजगीर का मेला कितने दूर तक लगा है, लेकिन मेन बुद्ध भगवान का ही स्थल है राजगीर, ब्रह्मकुंड का मेन स्थान है, सूर्य कुंड का स्थान है, और ये हमारे जितने यहाँ पर शिखर है वो सभी शिखर का पहाड़ियों का दृश्य को देखने लायक है संध्या के समय में या सुबह के समय में, कि कैसा कैसा एक पहाड़ का हम कल दृश्य देखे हैं जी। जो कि तीन रूप में हुआ था, हम जा रहे थे गाड़ी से धनिया पहाड़ी, तो पहाड़ पर जब धूप और घाटा जा रहा था तो उसका दृश्य देखते हुए बनता था कि वीडियो कैमरा में कैच कर ले वहाँ पर। यहाँ पर बड़े बड़े फिल्म का यदि शूटिंग किया जाए तो राजगीर बहुत विशाल और बहुत विकसित क्षेत्र बनेगा। कहा जाता है कि ये धार्मिक आस्था का ये क्षेत्र है, केंद्र है, और ये मलमास जो है बहुत ही माने पुण्य और पावन है ना। लेकिन यहाँ जो अब तो मलमास के जो सनातनी जो इतिहास यहाँ का रहा है उस पर सरकार का फोकस कम, ज़्यादा मेले पर है ज़्यादा है। हाँ, तो पब्लिक के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है, ज़्यादा यहाँ पर अपने मेला का नाच गाने का ज़्यादा, धर्म के तो बढ़ावे के लिए बहुत कम हो रहा है, ज़्यादा नाच गाना के लिए ज़्यादा हो रहा है। धर्मात्मा आते हैं वही यहाँ धर्म का रक्षा भी करेंगे, वही धर्म भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेला बाज़ार तो मेला बाज़ार कुछ और चीज़ का होता है। मेला बाज़ार में यहाँ थिएटर है, कहाँ पर क्या है इस मेला के अंदर में, हम लोग साधु संत महात्मा कैसे हैं, कहाँ पर हैं, इसका सरकार को देखने आती है सरकार हम लोगों को? कोई नहीं देखने के लिए आता है, नहीं देखने के लिए आते हैं कि यहाँ पर सरकार का नामे निशान नहीं है। तो सरकार रोड के बाहर है, इस मठिया में कहाँ है सरकार? जिसके लिए मलमास लग रहा है, ये विशेष मास है और मलमास लग रहा है, उसके लिए मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो ध्यान दे रहा है मेला पर और वही मैंने थिएटर पर और सर्कस पर। तो ये तो सरकार का अधीन है या सरकार समझे, लेकिन जो यहाँ पर आस्था लेकर के जो संत महात्मा आते हैं यहाँ पर मधुमास मेला में, वो आकर के यहाँ पर अपना कुंड का स्नान करके पुण्य का भागी बनते हैं। अब सनातनी भी जन करते हैं सिर्फ भागलपुर से आए हैं। अच्छा, गुरु स्थान भागलपुर है। अच्छा, कई सालों से यहाँ आ रहे हैं? यहाँ तो 20-25 साल हो गया, 300 साल करीब। पहले के राजगीर मलमास में जो लगता था और अब के मलमास लगता है, उसमें कुछ अंतर है? हाँ, हिमसाल तो बहुत अंतर है सरकार का। अंतर है, अंतर यही है कि पब्लिक के लिए सेवा सरकार के तरफ से है, साफ सफाई है। हम साधु के तरफ से कहाँ सेवा है, साधु को तो कोई सेवा है नहीं। सनातन धर्म को आप लोग बढ़ा रहे हैं, ध्वजावाहक आप लोग हैं, है ना? और कुछ लोग जो हैं सनातन को ही तोड़ने में लगे हुए रहते हैं। वो तो सरकार के काम है सनातन तोड़ना, हमारा चार को पखाना था उसको तोड़ दिया। तोड़ दिया सरकार, बनाया हुआ था हमरे बगल में जिनका एक धूर कागज में जमीन नहीं है, एक को डिस्मिन नहीं है गुरुद्वारा, वो देखिए पहाड़ में अभी के फीट चले गए हैं, 200 फीट तक के वो घेरा कर लिया है। हमारा जरीसा था 5-10 फीट में था, उसको तोड़ ताड़ कर बराबर कर दिया शौचालय के। यही तो सरकार की नीति है नीतीश बाबू के, और क्या कहा जाए। इनके अनुसार जो कहना है कि जो खतियानी यहाँ के रैयत थे और ये जिन आज खतियानी रैयत हैं और पुराना ये मठ मंदिर है इनका मैंने पैतृक ये ज़मीन है, उसके बाद जो है इनको कहीं कहीं भूमाफियाओं के द्वारा जो है दखल कब्जा किया जा रहा है, ज़मीन को अतिक्रमण किया जा रहा है। और बात करें तो इनके अनुसार जो कहना है कि सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करती है, सरकार के द्वारा भी जो है सह मिलता है, बल मिलता है उन लोग को। आखिर गुरु नानक बगल में गुरुद्वारा है गुरु नानक जी के, वो भी जो है पहाड़ जो कहते हैं पहाड़ एरिया में घुस गया है, अधिग्रहण कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है। बात करें तो कुछ बड़े बड़े होटल यहाँ खुला है, ये भी होटल मालिक वाले भी इनका अधिग्रहण किया गया है। आखिर सनातन धर्म पर क्यों कुठाराघात हो रहा है बार बार? जो सनातन ये संत महात्मा सनातन धर्म की ध्वजावाहक हैं, सनातन धर्म को प्रचार और विस्तार के लिए अपना अनवरत कार्य करते रहते हैं, इनका कोई अपना नहीं है ना, कोई इनका कोई पराया है, सभी को अपना बनाकर रखने वाले व्यक्ति हैं और करने वाले व्यक्ति हैं। आखिर संतों के पीठ पीछे छुड़ा क्यों भोगती है सरकार, प्रशासन, वो माफिया? तो आप देखते रहें न्यूज़ 41 बिहार झारखंड, अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे। धन्यवाद।